वेलकम बैक। अब जो रेसिपी बनाने जा रहा हूँ वो है काजू पनीर की बर्फी। जी हाँ, आपने काजू की कतली सुनी होगी, लेकिन काजू पनीर का कोई कॉम्बिनेशन होगा ये नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले मैंने जो है पनीर जो है उसे ग्रेट करके रखा है। दूसरा मावा है, मावे के अंदर जो किया है वो काजू जो है उसको भिगो के उसका पेस्ट बना के मावे के साथ में मैंने मिक्स किया है। उसके लिए हम सबसे पहले यही वाला जो मिक्सचर है इसको थोड़ा सा डालेंगे। इससे अच्छे से मेल्ट करेंगे, क्योंकि जो मावा है और काजू जो है वो साथ में हमें पकाना है। और काजू का जो पेस्ट है उसे आप ध्यान में रहे कि उसे साफ पानी में कम से कम 2-3 बार जब आप भिगो रहे हैं तो उसका पानी आप ज़रूर चेंज कर दें, क्योंकि काजू में अक्सर जो पानी है वो आप 2-3 बार धोते हैं तो उसमें जो कालापन है वो निकल जाता है। इससे उसमें वाइटनेस जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है। देखिए जैसे एकदम वाइट कलर हो गया है इसका। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, साथ में डालेंगे शुगर, थोड़ा सा कटा हुआ काजू, और इसे अच्छे से चीनी जो है इसको हम मेल्ट कर लेंगे। और अब डालेंगे इसमें पनीर, बेहद कमाल की रेसिपी है, एकदम अलग। आज तक पनीर के बारे में हम लोगों ने सब्जी में सुना होगा कि पनीर को हम सब्जी में खाते हैं, लेकिन ये बर्फी में भी काम आ सकती है या स्वीट में भी काम आ सकती है। और अब जो इसका पानी है वो पानी पूरी तरीके से हमें सुखाना है। उसके लिए आपको लगातार इसे चलाते रहना है, क्योंकि जो पनीर है उसके अंदर वाटर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसे पानी को निकालना होता है हमें। इसे अब तेज आंच में हमें इसका पानी जो है निकालना है। इसे लगातार आप इस तरीके से चलाते रहें। और अब हम इसमें मिलाएंगे मिल्कमेड। मिल्कमेड जो है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक कमाल का इंग्रेडिएंट क्रिएट हुआ हुआ है।
ये जो मिक्सचर है इसे ज़्यादा और पकाना नहीं है और पनीर की जो बर्फी है ये रेडी है और मैं रेडी हूँ इसे जमाने के लिए। और अब आप इसे इस तरीके से चारों तरफ आप इसे और अब आप इसे इस तरीके से इसे आप फ्लैट करें। तो ये हमारी ट्रे जो है बर्फी की तैयार है और अब मैं इसे रखने जा रहा हूँ फ्रिज में और फ्रिज में कम से कम मेरी तो आपको 4 घंटे इसे रखना है इसकी यदि बहुत अच्छी प्रॉपर स्लाइस चाहिए तो 4 घंटे बाद में मेरी बर्फी जो है वो एकदम इस तरीके से टाइट हो जाएगी और मैंने इसे काट के तैयार कर लिया है और मैं तैयार हूँ इसे सर्व करने के लिए। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले बनाया था बादाम का हलवा और अब मैं सर्व करने जा रहा हूँ बर्फी जो मैंने पनीर और काजू के साथ बनाई है। कमाल का कॉम्बिनेशन है पनीर और काजू की बर्फी और बादाम का हलवा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी पनीर और काजू की बर्फी। यदि आप इसके इंग्रेडिएंट्स लिखना भूल गए तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। आवश्यक सामग्री बादाम मावा चीनी घी केसर चांदी का वर्क बादाम की कतरन काजू पनीर पिस्ता इलायची पाउडर बादाम का हलवा। पैन में घी गर्म करें, बादाम को रात भर भिगोकर पीस लें और फिर उसे घी में भूनें, फिर इसमें इलायची का पाउडर डालें, फिर इसमें मावा डालकर भूनें, फिर इसमें चीनी डालें, फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, लास्ट में इसमें मिल्क मीट डालकर भूनें और गर्मा गर्म सर्व करें। काजू पनीर की बर्फी। काजू को पीस कर मावे के साथ मिक्स कर लें, फिर इस मिश्रण को पैन में भूनें, फिर इसमें इलायची का पाउडर डालें, फिर इसमें चीनी डालें, फिर इसमें काजू को बारीक काट कर डालें, फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालकर भूनें, लास्ट में इसे मिल्क मीट डालकर भूनें और ट्रे में फैलाकर जमा दें। जमने के बाद काटकर सर्व करें। तो ये था आज का मेरा एपिसोड जिसमें मैंने तैयार किया बादाम का हलवा और काजू पनीर की बर्फी। इसे बनाना बेहद आसान है। अगली बार फिर मिलूंगा कोई मैजिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।